हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो देखिए, फर्स्ट जो है वो है आपका इसमें प्रोटेक्शन। पैकेजिंग लोग क्यों करता है? तो पहले प्रोटेक्शन के लिए करता है। पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज, रेन, मॉइस्चर, इंसेक्ट एट्सेट्रा। देखिए, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेंगे तो उसको नुकसान होने से बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, पैकेट ऑफ चिप्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेंट। मतलब अगर आप देखते हैं चिप्स का पैकेट, मतलब कितने अच्छे से पैक होता है ताकि उस पर किसी भी मौसम का असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट कैन बी इजली आइडेंटिफाइड विद पैकेजिंग। जैसे देखिए, अगर जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है वो सेम होती है, तो लोग जो कस्टमर होता है उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल इसका है, डव शैम्पू बॉटल वाइल क्लियर एंड यूनिक शेप, ठीक है। जो डव शैम्पू बॉटल में आता है वो मतलब आसानी से लोग पहचान जाता है कि ये क्या है, डव कंपनी का शैम्पू है। थर्ड जो आपका है फंक्शन है वो है आपका कन्वीनियंस। एप्रोप्रिएट पैकेजिंग मेक्स प्रोडक्ट कन्वीनियंट टू स्टोर एंड शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छे से करते हैं तो आप उसको एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, या तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक ईजी टू हैंडल ट्रांसपोर्ट। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में आती है, आप उसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका प्रमोशन। पैकेजिंग साइलेंट सेल्समैन प्रमोट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड इनोवेटिव पैकेजिंग अट्रैक्ट्स कस्टमर, स्पेशली इफ द प्रोडक्ट इज चिल्ड्रंस प्रोडक्ट। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, स्पेशली वो प्रोडक्ट जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, तो उसके जो आपके कस्टमर है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका है कंटेनमेंट। ऑल प्रोडक्ट मस्ट बी कंटेन बिफोर दे कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या, स्टोर करके रखा जाता है एक जगह से दूसरी जगह भेजने से पहले। विदाउट कंटेनमेंट प्रोडक्ट लॉस एंड पॉल्यूशन वुड अकर, ठीक है। अगर उसको लोग कंटेनमेंट करके नहीं रखेगा तो उसमें ये हो सकता है कि उसमें पॉल्यूशन लग जाए। ऑल्सो कंटेनमेंट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स प्रोडक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड डिटोरेटिव फैक्टर। ये जो कंपनी होती है वो कंटेनमेंट क्यों करती है, ताकि उसमें किसी भी तरीके का मतलब धूल मिट्टी ना बैठे। लास्ट जो आपका फंक्शन है वो है आपका कम्युनिकेशन। बेसिकली रिफर्स टू द पैकेज फंक्शन एज अ साइलेंट सेल्समैन टू अट्रैक्ट कंज्यूमर एंड सेल्स प्रोडक्ट। बेसिकली जो पैकेजिंग किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ा सके। टू मीट मैंडेटरी लीगल और रेगुलेशन, एग्जांपल न्यूट्रिशन लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट ट्रैकिंग एट्सेट्रा। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन थ्रू सिमिलर शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द पैकेजिंग, ठीक है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक बना रहे हो ताकि वो क्या कर सकते, किसी भी कंज्यूमर अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो ये बेसिकली कुछ फंक्शन थे आपके पैकेजिंग के। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।